हाय दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों मैं आया हूँ सन सिटी के अनंतम में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ आज जो अंतरा है, सन सिटी का अंतरा, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट, यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम चालू हो चुका है पूरी तरह से और लगभग सेकेंड फ्लोर तक आ भी गया है। दो साल में इसकी पोजिशन भी हो जाएगी। वहाँ का वो प्रोजेक्ट कमर्शियल के लिए बहुत ही खास है। वजह यह है कि इनका 400 एकड़ का टाउनशिप है, 300 का। इसमें दोस्तों इनका खुद का मान लीजिए हॉस्पिटल होगा, खुद का स्कूल होगी, खुद की सारी शॉप्स होंगी, क्राउड पूरा खुद का होगा, मतलब कि इनका ही होगा, सिटी वालों का ही होगा। तो ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ का क्राउड बाहर निकल के ना शॉपिंग करने जाएगा, ना परचेज करने जाएगा, कुछ भी नहीं करने जाएगा। तो यहाँ पे आप रेंटल वैल्यू लगाइए तो रेंटल इनकम जोरदार होगी। यदि आप कोई शॉप वगैरह खोलते हैं, यदि कोई कार्य करते हैं, तो उसकी अलग डिमांड होगी। कुल मिला के ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट पे नज़र बना के रखिए। इस प्रोजेक्ट पे आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। आपको ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से रेट बढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये मिस करने वाली चीज़ है। बाकी डिटेल्स साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे आप मेरे इसमें वीडियो चैनल, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे, मैं बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ इसकी, मैं बैक टू बैक वीडियो डालने वाला हूँ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट को मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहने दूंगा, इस प्रोजेक्ट को मैं पूरे इंडिया में पहुँचा के रहूँगा। और सबसे यही कहूँगा, यदि वृंदावन वासी बनना है तो दोस्तों उसके लिए उससे अच्छा सन सिटी के अनंतम से अच्छा वृंदावन में कोई प्रोजेक्ट नहीं। मैंने सारे प्रोजेक्ट देखे, सारे प्रोजेक्ट की डिटेल बनाई, सारे प्रोजेक्ट भी मैं डाल रहा हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छा प्रोजेक्ट ना कोई है, ना कोई आने वाला है, ना ही कभी आएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन में अब 400 एकड़ की जमीन नहीं है तो कैसे आएगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। अब ये देख सकते हैं पार्क वगैरह सब कुछ डिटेल में डालूंगा। ये पार्क में ही मैं एक पार्क में यहाँ का वो वीडियो बना रहा हूँ पार्क में। तो यहाँ पे इस तरह के 200 पार्क बने हुए हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से पार्क डेवलप हो चुका है, रोड पूरी डेवलप हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है, पेड़ वगैरह लगा के पूरा तैयार है। लोगों के 25-30 फैमिलियाँ भी आ चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ये विला भी बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए दो चीज़ें हैं जो जिससे आपको ध्यान लगाना चाहिए। उसको प्लॉट 117 गज से लेकर 688 गज तक का, इसको प्लॉट में आपको ध्यान देना चाहिए। आप चाहें तो विला को आप देखिए या ना देखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन यदि वहाँ नहीं तो आप कमर्शियल में तो जा सकते हैं। कमर्शियल में दोस्तों इनकी खुद की मार्केट होगी, खुद का क्राउड होगा, खुद के बंदे होंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। तो आपकी शॉप या जो भी आप काम से लेंगे वो काम चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि रेंट पे भी आप देंगे तो रेंट की भी इतनी तगड़ी डिमांड रहने वाली है कि वो आपका रेंट पे भी जब समय से पहले वो रहेगा, जो ही आप डिमांड करेंगे वही रेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्राउड इनका है, क्राउड है, पहली बार एलीट वर्ग का कस्टमर है यहाँ पे। 118 गज से नीचे का कोई प्लॉट नहीं है, तो मतलब कि सस्ते मध्य लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो जो भी होगा क्लाइंट होगा एलीट वर्ग का होगा, और एलीट वर्ग का होगा तो मतलब कि वो उसकी कैपेसिटी, वाइल्ड कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का है। अभी अभी आप इससे जुड़ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि लाइफ में आप वो अप्रिसिएशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर यदि आप यहाँ पे लगा लेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, तो लाइफ में आपकी लाइफ का एक सबसे बेहतरीन और शानदार डिसीजन होने वाला है। ये मैं आपको प्रॉमिस से करके साथ कहता हूँ, इससे शानदार डिसीजन आपका कोई नहीं हो सकता अभी तक के हाल में। जैसा यहाँ पे मार्केट है, जैसे मार्केट है, यदि राधा रानी ने आपको बुलाया, राधा रानी ने आपको सिर्फ देखने के लिए बुलाई, तो आपको यहाँ पे बता लेंगी। इसलिए कहूँगा यार दोस्तों कुछ नहीं तो देखने तो आ जाओ, देखने आओगे आप खुद ही बच जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आपका बजट होगा, आप कैपेबल होगे, आप मूड में होगे, तो 100% मूड नहीं भी होगा तो राधा रानी बना दोगे, तो आपका मूड बन जाएगा। आप आइए, विजिट करिए, चाहे छोटे साइज का लीजिए 117 गज वाला लीजिए या आप कमर्शियल लीजिए, दो में से चाहे कहीं भी आप यहाँ डालिए डालिए जरूर। यदि अफोर्डेबल आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप विला प्लॉट पे तो आपको कहीं भी डालो यार, पैसा तो हर जगह पड़ेगा, बहुत दोनों की जमीन की कॉस्ट तो उसकी बढ़ नहीं पाती, तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। लेकिन आप इसके साथ जुड़ो, सन सिटी का अनंतम जो प्रोजेक्ट है वृंदावन का, वो आपको बाय करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं फोर्स भी कह रहा हूँ, मैं हर हाल में कहूँगा, मैं हजार बार कहूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने लायक जगह है, इन्वेस्ट करिए,
आपको कभी पछतावा नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। और आप यदि इसको छोड़ते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि रेट उसके डे बाई डे बढ़ रहे हैं, डे बाई डे। मैं पिछले साल आया था 35-40 हज़ार का रेट था, आज के डेट में 70 हज़ार का रेट है। और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे ये कॉरिडोर का काम शुरू होगा 1 लाख का प्रोजेक्ट हो जाएगा। इनका फेज वन बिल्कुल रेडी है, रेरा फेरा सब कुछ आके रखा हुआ है, लेकिन ये लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको इंतजार है कि 1 लाख गज हो जाएगा तो 1 लाख गज से ही लॉन्च करेंगे। अभी आपके पास 30 हज़ार का डिफरेंस है, अभी आप 70 हज़ार में ले सकते हैं, वही चीज़ आपको 2-3 महीने के अंदर 1 लाख की हो जाने वाली है। तो यार ले लो भैया, मत इंतजार करो, वेट मत करो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है दोबारा। ऐसे चांस हमेशा नहीं आते हैं, इसमें ध्यान दो, आप इन्वेस्ट करो, इसके प्रोजेक्ट को देखो, डिटेल में जाओ, हमारी वीडियोस पे जाओ, हमसे मांगो क्या क्या डिटेल चाहिए, सारी चीज़ लो, या हमारे पास आओ, विजिट करो, देखो। नहीं पसंद आए तो कहना यार पसंद आने वाली चीज़ें पसंद आएगी आएगी। तो दोस्तों मैं आपका इंतज़ार करूँगा, उम्मीद करूँगा आप विजिट तो कम से कम करेंगे ही, विजिट करने के बाद आपका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इंतजार करेंगे आपके आने तक का। तब तक राधे राधे दोस्तों।